गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फेजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस क्वेश्चन इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.32। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फेजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 gram of CH3CH2ClCOOH means 2-chloropropanoic acid is added to 250 gram of water. Given dissociation constant of acid Ka is equal to 1.4 into 10 power minus 5 and Kf is equal to 1.86 Kelvin kg molin वर्स। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्या, डिप्रेशन इन फेजिंग पॉइंट। सिंस वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलल टी, हम लोग ये पढ़े हैं टी एफ डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलल्टी। यहाँ पर देखिए कि दिया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए, के दिया है इस एसिड के लिए, दिस एसिड इज वीक एसिड, ठीक, ये वीक एसिड है। तो फॉर वीक एसिड रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर फॉर वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला आपका अप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड के लिए। के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो के दिया हुआ है सी अल्फा स्क्वायर, सी भी हमको कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करना है। तो सी का मतलब क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ये मोलरिटी भी हमारा कंसंट्रेशन का ही टर्म है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करेंगे, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब उसको हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इस डब्ल्यू ए की वैल्यू अगर हम ग्राम में लेंगे तो ऊपर हम 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मोलल्टी का फार्मूला होगा। इस मोलल्टी के फार्मूले में आपको डब्ल्यू बी गिवेन है 10 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, और डब्ल्यू ए भी आपको गिवेन है 250, एम बी ये मोलर मास ऑफ दिस एसिड, इस एसिड का मोलर मास मीन्स 2-chloropropanoic एसिड का मोलर मास हम फाइंड करेंगे तो 122.5 आएगा। तो ये सभी वैल्यू इन दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन, यहाँ पर W की वैल्यू पुट अप करेंगे 10 इंटू 1000 अपॉन 122.5 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 250, ये हो जाएगा आपका 4, ये मिलेगा आपका 40 अपॉन 122.5, यानी आपका मिल जाएगा 0.32, नियर अबाउट आपका 0.32 मिल गया, क्या कंसंट्रेशन या मोलल्टी, कंसंट्रेशन या मोलल्टी हम यहाँ से फाइंड कर लिया।
मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, इसको मॉडिफाई किया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये सभी वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वैल्यू हम पुट किया, पुट करने के बाद हमको कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.32 आ गया, ठीक 0.32 आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे। अल्फा निकालने के लिए हमारे पास एसिड है 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड CH3CH2Cl(C)OH, इसको जब आयनाइज करेंगे तो 1H+NCH3CH2ClCOO- ये मिलेगा। इसके लिए हम लोग रिलेशन कर चुके हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर फॉर वीक एसिड। यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 1.4×10⁻⁵ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ये है 0.32×α² देन अल्फा इज इक्वल टू √1.4×10⁻⁵ अपॉन 0.32। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगा 0.065, इतना आपका नियर अबाउट मिल जाएगा। अल्फा इज, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक। तो अल्फा निकाल लिया, कंसंट्रेशन निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि ये एसिड हमारा डिसोसिएट हो रहा है एच प्लस और CH3CH2ClCOO- में, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वन टॉप फैक्टर आई फॉर दिस एसिड, इस एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और आई में क्या रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपान एन माइनस वन। यहाँ पर देखिए एन पार्टिकल है, पार्टिकल की संख्या कितनी है 1 और 1 यानी 2, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 0.065 इज इक्वल टू आई माइनस वन अपान 2 माइनस 1, आई माइनस वन अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा 0.065 इज इक्वल टू आई माइनस वन, देयर फोर आई इज इक्वल टू 1.065, मीन्स आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, मीन्स क्या हुआ, डिसोसिएशन होगा, सी दिस एसिड इज डिसोसिएट पार्टिकल एच प्लस एंड दिस आयन, आई निकल गया। जब आई निकल गया यहाँ पर हमको K दिया है और कंसंट्रेशन भी हम निकाल लिए हैं, तब डेल्टा टी एफ की ओर बढ़ें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर I दिया है, उसके बाद के एफ आपको गिवेन है क्वेश्चन में 1.86, मोलैलिटी हम लोग 0.32 पहले से ही फाइंड कर लिया, तो इन दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू 1.065×1.86×0.32। तो इस तरह से जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस में रहेगा। तो ये आज हम लोग ये जानने की कोशिश किया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया रहेगा तो कैसे हम लोग डेल्टा टी एफ फाइंड करेंगे। डेल्टा टी एफ फाइंड करने के लिए वन टॉप फैक्टर को पहले निकालना पड़ेगा,
वांट हाफ फैक्टर कैसे निकलेगा, तो वांट हाफ फैक्टर को निकालने के लिए पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरफ बढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमको दिया है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए दिया है, तो के इज इक्वल टू हम जानते हैं कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो इसके थ्रू हम अल्फा की वैल्यू निकाल लिया के ए अपान सी करके। तो इस अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे तो अल्फा और आई में हमारा रिलेशन है ये, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे। जब आई निकल जाएगा, के एफ की वैल्यू दिया ही है, मोलालिटी हम पहले से निकाल लिए, इन सभी वैल्यू को इसमें जब हम पुट कर देंगे तो डिप्रेशन इन फेजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमको सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से और सारे क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं बता दिया और आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।